अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई डू होप दैट यू आर फाइन। दिस इज़ न्यू ऑक्सफोर्ड प्राइमरी साइंस ऑफ क्लास 4। नाउ ओपन द यूनिट नंबर 5, एनवायरनमेंट्स एंड फूड चेन्स एट पेज नंबर 42। इन दिस यूनिट वी विल डिस्कस अबाउट द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट क्या है? एनवायरनमेंट माहौल को बोलते हैं। योर एनवायरनमेंट इज़ एवरीथिंग दैट इज़ अराउंड यू। आपके इर्द गिर्द की चीज़ें आपका माहौल कहलाती हैं। एवरी लिविंग थिंग हैज़ इट्स ओन एनवायरनमेंट। हर जानदार चीज़ का अपना माहौल होता है। वाटर, एयर, मिनरल्स, लाइट एंड वार्म्थ, दीज आर ऑल इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स मेक द गुड एनवायरनमेंट। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन। ऑल लिविंग थिंग्स आर क्लासिफाइड इंटू प्लांट्स एंड एनिमल्स, एंड दे आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर एनवायरनमेंट, अकॉर्डिंग टू देयर फूड, अकॉर्डिंग टू देयर टेम्परेचर डीलिंग। नाउ ओपन द एक्सरसाइज एट पेज नंबर 54। हियर इज अ क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स। डीकम्पोजर्स फीड ऑन डेड थिंग्स। डीकम्पोजर्स ऐसे लिविंग थिंग्स हैं जो कि डेड प्लांट्स और डेड एनिमल्स को ईट करते हैं और सिंपल फूड पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन करते हैं। ओनली प्रोड्यूसर्स कैन मेक फूड। सिर्फ प्रोड्यूसर्स फूड अपनी खुद बनाते हैं जो कि सिर्फ प्लांट्स कहलाते हैं। कंज्यूमर्स आर दोज लिविंग थिंग्स दैट कैन नॉट प्रोड्यूस फूड। कंज्यूमर्स भी लिविंग थिंग्स हैं लेकिन ये अपनी फूड खुद तैयार नहीं करते। काउज एंड गोट्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ हर्बीवर्स एनिमल्स, दे डू नॉट ईट एनिमल्स। गाय और बकरियाँ सब्जी और जानवरों की मिसालें हैं क्योंकि ये गोश्त का इस्तेमाल नहीं करते। ओमनीवर्स एनिमल्स ईट प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओमनीवर्स एनिमल्स ऐसे एनिमल्स हैं जो कि प्लांट्स और गोश्त दोनों खाते हैं। एन एनिमल विच मेंटेन्स इट्स बॉडी टेम्परेचर बाय अब्जॉर्बिंग हीट फ्रॉम द सराउंडिंग एनवायरनमेंट इज कॉल्ड ब्लडेड एनिमल्स। ऐसे जानवर जो कि अपना बॉडी टेम्परेचर चेंज करते रहते हैं सराउंडिंग टेम्परेचर से, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कहलाते हैं। एन एनिमल दैट मेंटेन्स इट्स बॉडी टेम्परेचर एंड डज नॉट चेंज इट विद द सराउंडिंग टेम्परेचर इज़ वार्म ब्लडेड एनिमल्स। ऐसे जानवर जो कि अपना बॉडी टेम्परेचर चेंज नहीं करते सराउंडिंग टेम्परेचर से, वार्म ब्लडेड एनिमल्स कहलाते हैं। द प्रोसेस थ्रू विच प्लांट्स मेक देयर फूड इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ऐसा अमल जिसके ज़रिए प्लांट्स फूड बनाते हैं फोटोसिंथेसिस कहलाता है। नाउ ओपन द पेज नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 3, रीड द फूड चेन बिलो। कैबेज, कैटरपिलर, स्पैरो, ईगल। विच ऑफ द अबव इज़ अ प्रोड्यूसर एंड विच आर कंज्यूमर्स। कैबेज इज़ अ प्रोड्यूसर, कैटरपिलर इज़ अ कंज्यूमर, स्पैरो एंड ईगल आर ऑल्सो कंज्यूमर्स। कैबेज पौधे बनाते हैं, कैटरपिलर कंज्यूमर है जो कि इसका इस्तेमाल करते हैं, स्पैरो भी इसका इस्तेमाल करती है इसीलिए कंज्यूमर है, और ईगल भी इसको खाती है इसीलिए ये भी कंज्यूमर है। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।